ओ खोजेदारो, उठ के नमाज पढ़ लो। खोजेदारो, आज मेहमान भी आ रहे हैं। मेहमान हमारा कौन सा है भाई? वाल कराना हो ये? वेल्ड 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 कराना टूट के? रमजान के महीने में भाई सोन पोर भूंजा हो गया है। Assalamualaikum to everyone। जी वेलकम जी, आप सबका जी तड़पते फड़कते व्लॉग में। और आज है जी माशाल्लाह 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 आठवां रोजा और आठवीं सहरी। और अभी मैं उठाऊं और फ्रेश हुआ हूं तो दिल बिल्कुल ही नहीं चाह रहा था उठने का। या इतनी नींद आज तो हालत खराब थी। तो अभी मैंने सहरी वगैरह करनी है, वेट कर रहे हैं जी। 4:15-16 हो चुके हैं, सहरी बन रही है। तो इस व्लॉग में बड़ा कुछ होगा आज जनाब, बहुत सारा हल्ला गुल्ला और एक्टिविटीज होगी। तो आपने अगर आप मेरा व्लॉग रेगुलरली देख रहे हैं या देखते हैं, लाइक करना शेयर करना है आप लोगों ने। तो चले अपने व्लॉग का करते हैं बाकायदा स्टार्ट। ले जी गर्मा गर्म जनाबे मंद पराठे हैं जी, और साथ ही है जी लस्सी, और साथ इसके होगा जी अचार। ये भाई हाथ लगे हुए पराठे हैं, आलू के पराठे बने हुए हैं। और जनाब जो मेरा जो मनपसंद पराठा है ना, वो है जी मूलियों वाला पराठा। तो मैं अभी तो खा रहा हूँ भाई, क्योंकि आलू वाले भी सेकंड प्रायोरिटी आलू वाले ही होते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। साथ अचार रखते हैं, ओए होए क्या मजे। वो साथ पाई जान क्रीमी लस्सी, ओए होए 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 देखो ना कैसा उसे मक्खन आया, वाह 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 क्या बात है जनाब। तो अभी जनाब क्या लोग के साथ पानी लिया है जी भाई, नेचुरल भी बंदे को रहना चाहिए, नेचुरल भी रहना चाहिए। और जनाब मोहतरम सहरी करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो चलो करते हैं सहरी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अभी टाइम हुआ चाहता है, अजाने हो चुकी हैं और नमाज फजर अदा करने का टाइम हो गया है। और अभी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाऊंगा भाई अली से चीज लूंगा बाइक की, क्योंकि आज मुझे जाना पड़ेगा हलम उसे मेडिसिन देने के लिए अम्मी को। तो चले अभी ऊपर चला के देखते हैं अली किधर है, चला तो नहीं गया। ओ खोजेदारो, उठ के नमाज पढ़ लो। खोजेदारो, रोजा रखे है तू? हूं जाना होंगे नबिया, हूं जाना होंगे नबिया हो गई ने, तो तू पहले ही नमाज पढ़ ली। दस झूठे है खोजेदार, खोजेदार ने ता झूठ मारना है। बहुत ज्यादा नींद भाई जान, रात को मैं बहुत लेट सोया था। व्लॉग एडिट करता रहूं, अभी जाके नमाज पढ़ूंगा घर में ही और सो जाऊंगा जल्दी। लो जी अलार्म बज गया जी अब्बा जी दे मोबाइल ते। यार गाइस दिल तो नहीं करता भाई घर नमाज पढ़ने को, बाकी आज मजबूरी है। इतनी नींद आ रही है यार कि मैं ना आंखें दर्द कर रही हैं मेरी भाई, मैं कह रहा हूँ इधर ही गिर जाऊँ। आज पढ़ूंगा थोड़ा सा, एक दो रुकू पढ़ूंगा और जनाब सो जाऊंगा सुबह इंशाल्लाह। फिर देखते हैं क्या रूटीन है हमारी। जी जनाब गुड आफ्टरनून, क्योंकि गुड आफ्टरनून क्यों कह रहा हूँ भाई, सुबह सुबह उठता था तकरीबन अभी 10 बजे, अभी तो नहीं सुबह उठा हूँ 10 बजे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद थी यार। पता नहीं क्या बात है, इतनी नींद क्यों थी, आज उठने का भी दिल नहीं कर रहा था। बाकी मजीद 10 बजे उठाऊँ, 10 बजे फिर आपने यानी कि दूध वगैरह वही रूटीन। और बाद में मेरे को रैक्स के कुछ ना वो सैंपल वगैरह बनाने थे, स्केच बनाना था, उसमें मसरूफ़ हो गया। तो याद ही नहीं रहा यार कि वीडियो भी बनानी है, मेरे व्यूवर्स भी प्यारे प्यारे हैं उनके लिए भी वीडियोज बनानी है। तो बिल्कुल जहन में निकल गया, अभी देख सकते हैं जी 12:15 हो चुके हैं। तो थोड़ी ही देर तक इंशाल्लाह मैं लालिमो से भी जाऊंगा और साथ ही हावर के पास होके आया हूँ। वो रात की ड्यूटी कहीं पे ना किसी घर में वॉलपेपर लगा के आया, अभी कह रहा है कि जनाब मैं सो लूँ थोड़ा सा, तो शाम के वक्त हम इंशाल्लाह काम शुरू कर लेते हैं। तो आज इंशाल्लाह अपने रैक्स का जो ना काम स्टार्ट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह मैं भी सुबह तक हो सकता है कि रैक कंप्लीट हो जाए। रात को चौधरी असद का भी फोन आया था, भाईजान चले सुबह आ जाए, मैंने कहा यार 2 दिन मेरे को दे दो यार, ताकि मैं अपना ये दुकान का फिनिश कर लूँ, थोड़ा बहुत दुकान का फिनिश कर लूँ, और इंशाल्लाह 2 दिन के बाद फिर हम प्रॉपरली अपना ऑफिस स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी जनाब अभी जाके थोड़ा सा टाइम अली का वेट करूं, अली आएगा और अली बाइक लेके गया स्कूल, तो अली आएगा वही बाइक लेके फिर मैं लामोसा जाऊंगा। आज मेहमान भी आ रहे हैं, मेहमान हमारा कौन सा है भाई, बहनोई है, छोटा बहनोई है, वो आ रहा है, उसके लिए हम अफ्तारी का मेरा ख्याल है कह रहे हैं प्लान है। तो अफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें लेके आनी है, जो कुछ भी गड़बड़ गुड़ क्वाइट है। तो लेट्स गो यार। नो ना मैं तो फिर
ले यू गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था जी, जाना है जी लाला मुसा, लाला मुसा वालदा साहब की मेडिसिन देनी है। ये है जी मेडिसिन लगा दी है, टांग दी है हमने, और अली का मोटरसाइकिल लेकर जाने लगा था, अली का मोटरसाइकिल था पंचर, तो आर्यन का निकाल लिया भाई। तो चले अपने सफर का आगाज करते हैं अल्लाह के नाम से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहुंचे जी हम जी सिस्टर के घर, और बाइक का हो गया ये मसला, प्रॉब्लम बन गई है जी, ये पता नहीं गियर लीवर की टेंशन बन गई है। तो अंदर चलते हैं जी, वेल्ड कराना हो गया, वेल्ड कराना टूट गए। लो जी गाइस, मसला कुछ यूं है कि बाइक का जी गियर लीवर है ना, वो टूट गया है। तो मैंने कहा है भाई रास्ते का मसला ना बन जाए तो इसको फिक्स करवा लेते हैं। वो टांका लगाने गया है भाई मैं, ठीक है, खैर करें यहाँ पे मंडी 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 पे भाई सामान लेंगे थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह घर चलते हैं। केला फाइनल है सर, बाटा रेट है, केला 400 यार बस। नाजरीन, रमजान के महीने में भाई 352 हो गया है। ले जी जनाब मोहतरम, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हमने केला और स्ट्रॉबेरी ले लिया है, चाट बनानी है, फ्रूट चाट बनानी है, इतनी ज़्यादा नहीं बनानी, बाकी महंगाई बहुत है, गरीब बंदा है हम, तो क्या करें भाई। तो चलें चलते हैं जी अपने घर। कैमरा मारे हो तो पहतो नहीं लाला, तानुम चे है फैसल सने वे ताजा लाला जहर दे बराबर है वही वही इधर कोई रोजा नहीं पकड़ता, रोजा नहीं पकड़ता, लोग ये दुकानदार है ये रोजा नहीं पकड़ते। अच्छा, ये तो गलत बात है यार, रोजा नहीं पकड़ता, रोजा पकड़ना चाहिए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हमारी जिंदगी में रमजान दिया है, तो हमें भाई इसे अच्छे तरीके से भाई करना चाहिए। हाँ जी चले जी, बहुत शुक्रिया लाला जी। अच्छा गाइज, पीछे रस्ते में से ना मैं गुजर के आया हूँ, तो 3-4 बंदे थे जो रुका रहे थे ना, हर मोटरसाइकिल को रोक रहे थे। मैंने कहा ये जनाब कोई डकैती वाले ना हो, बंदे वारदात ये ना हो। मैंने आगे किया, फिर मुझे वो उनकी टोपियाँ वगैरह जनाब आ गया, उसने रोक लिया। मैंने कहा अल्लाह हैर करे, तो बाकी उसने जल्दी से ना ये बैज नज़र आ रहा होगा आपको, उसने जल्दी से ये लगा दिया। तो मैंने पूछा ये क्या चीज़ है जी, कहते हैं जी मिलाद है यार, इधर उर्स है, तो मैं उसके लिए कोई हदिया वगैरह कुछ दे दें। तो मैंने कहा भाई बाबा जी को बस ढोल बजा के उठाते हो, या फिर उनको कह लो कि ढोल के ज़रिए स्वाप हो जाते हो, कोई किसी गरीब को भी लंगर वगैरह कोई अफ्तारी वगैरह नहीं जी, हम उसका करवाते हैं और शाम का अफ्तारी का प्रोग्राम है हमारा। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है, फिर ले लो। मैं अपने रोड पर आ चुका हूँ, ये देख सकते हैं। तो चले चलते हैं, हंडी वाले इंतज़ार कर रहे होंगे भाई आ नहीं रहे, सामान वगैरह देते हैं जो लेके आए हैं ताकि वो अफ्तारी जल्दी से बना लें। हेलो जी गाइस, मैं घर में पहुंच आया हूँ और अभी जा के जनाब मैंने वजू किया, वजू करके जनाब अभी जा रहा हूँ, कपड़े भी चेंज नहीं किए, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया, 7 मिनट रह गए और कपड़े भाई बाद में पहने के, ठीक है, अभी इसी हालत में ही जा रहा हूँ, देख सकते हो आप इसी हालत में जा रहा हूँ, नमाज पढ़ने का कोई मुश्किल नहीं है, तो अल्लाह हैर करे तो नमाज़ पढ़ कर फिर आकर कपड़े चेंज कर लेते हैं। रहमती का लो जी गाइस, नमाज हो चुकी है अदा, और क्या हुआ हमारे साथ, आज टाइम से पहले ही नमाज जमात खड़ी कर दी गई थी, तकरीबन 45 मिनट में यहाँ मैं पहुँच गया था, बाकी आके देखा क्योंकि 50 मिनट में जमात होती, आकर देखा भाई लास्ट कह लो कि हरकत चल रही थी, तो नमाज तो कह लो कि जमात के साथ हो ही जाती है, बंदा पहुंच जाए तो आखिरी रकत में क्यों, आखिरी रकत में भी हो बंदा यानी कि जमात के साथ जमात का स्वाब मिल जाता है। बाकी हुआ कुछ यूँ है जी, जमात वालों ने कारी साहब में जाना था सड़क पे जहाँ पे फोतगी हुई है, वहाँ जाना था, तभी कहते हैं जी तभी शायद जल्दी जमात हो गई है, लानत जिंदगी तेरी रहे। बाइक देख कर लगता है भाई के भाई नोई साहब आ चुके हैं, तो चले उनके साथ मुलाकात करते हैं। ठीक सुनाओ, मजे हुए चो? ठीक ठाक, रोजा शोजा रखे फिर? जी रोजा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी गल है। ये कौन बंदा है? अच्छा तो ये आओ जी, अस्सलाम वालेकुम।
बादशाह सुनाओ के खान लगे हो, रोजा नहीं जी रखे है ए वो इधर ही मोबाइल वाला जेड़ा मोबाइल लेके बैठ जांदा है अभी हुआ जाता है टाइम जी सहरी का, ओहो सहरी का नहीं अफतारी का टाइम हुआ जाता है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ जी जो हम दस्तरखान लगाया है जी, जल्दी से मैं आपको दिखा दूँ यार, देखो जी देखो ध्यान करो यार, माशाल्लाह बरकतां रमजान दियाँ, रमजान की बरकतें देख सकते हैं जी माशाल्लाह। ये सारा मैंने प्रिपेयर किया है, ये क्रेडिट मेरे को जाता है भाई जान, ये सब कुछ ना मैंने अरेंज किया। वाह वाह क्या बात, क्या बात, ये देखो ना, वाह जी वाह। एफ जा कह लो कि हस्बैंड बड़ा मुश्किल ना मिलता है, बहुत मुश्किल ना मिलता है, क्योंकि ये सब कुछ करना कोई आम हस्बैंड नहीं कर सकते, ये जिद विच कोई एबिलिटी होती है ना वही बंदा कर सकता है, देख सकते हो माशाल्लाह। हाय पकौड़े निकल रहे हैं और ये चिकन और पालक, वाओ। लो जी गाइस इफ्तारी हो गई है, अभी दौड़ रहा हूँ जी मस्जिद के लिए, 28 मिनट हो चुके, मैं भी जमात खड़ी ना हो गई हो, लेट्स सी, जमात खड़ी हो गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच आया हूँ यार मैं मस्जिद में, ये देख सकते हैं जमात खड़ी हो गई।